यह भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत की धनी है और इसलिए और जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। उसी समता, समरसता, समदृष्टि और संघ भाव के कारण बुद्ध विश्व भर के सर्वाधिक स्वीकार्य महापुरुष हो गए। यही भाव बाबा साहब आंबेडकर ने जिया तो वे भी बुद्ध के राह पर चल पड़े। आज विश्व में भारत का सर्वश्रेष्ठ परिचय हमारी भौतिक क्षेत्र में उन्नति के साथ ही हमारा बुद्ध का देश होना, यह भी दुनिया में भारत के महात्म्य को बढ़ाता है। दम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये हमारे देश की पवित्र भूमि से निकल संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जन जन का मंत्र बन गया। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है, तुम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना शुरू करो, तुम भी बुद्ध हो जाओगे।